subscribe to Shemaroo Movies and hit the bell icon to never miss an update. माता, मेरे को और कुछ नहीं होना, एक बच्चा होना माँ। అప్పుక పోషమ్మ వరంతు సీరలై
अरे सूर्या गुरु सूर्या अरे सूर्या क्या हुआ तेरा बताओ क्या हुआ अरे फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास तेरा क्या हुआ फर्स्ट क्लास तेरा चलो मैं आप इसी बात पर बियर हो जाए बस हो जाए बियर चलो यार अरे सूर्या मैं सुना तेरी मैरिज होने वाली है बाप अरे यार अब पुरानी बात हो गई अगले महीने इन्हें फांसी पे चढ़ने वाला है हाँ है हाँ मगर यार इसकी रुख्सती बाद में होंगी इसकी जो रू अभी बच्ची है चुप है कितने थैले लाई हो कौशल्या 12 चाहिए आपके धान बहुत अच्छे हुए हैं तुम्हारे खेत में इस तो अपने पता की मेहनत है बहुत काम करता है बेचारा बिल्कुल आप ही के जैसा है मेहनत तो अच्छी चीज है कौशल्या लेकिन जो जमीन मैंने तुम्हें दी है वो जमीन भी तो सारे अलवाल में बेहतरीन है वो तो है बस बाबा एक बाउदी और खुदवा दो तो धान के दो फसल हो सकते हैं मेरा बाबू आ गया कितने दिनों के बाद देखी हूँ उसे कैसे हो बेटा प्रताप भाई को नमस्ते करो क्या निकला तुम्हारा रिजल्ट जी हो बाबू मैं पास हो गया थर्ड क्लास पास हुए होंगे जाओ जाकर अपनी अम्मा को एक खुशखबरी सुना दो मैं कितने प्यार से बात करी हूँ उसे वो मेरे को जवाब ही नहीं दिया दिमाग खराब हो गया है उसका और क्या ये माँ और बेटा क्यों आए हैं दोनों तेरी शादी को सुन के आए हैं बेटा मेरी शादी से इनका क्या ताल्लुक तेरे बाबा से बोलने आए हैं कि तेरी शादी के साथ प्रताप की शादी भी हो जाए तो अच्छा है तुम इन लोगों को आने क्यों देती हो अम्मा 20 बरस से ये औरत तेरे बाबा की संगत लगी हुई है बेटे पर मैं मुंह से एक बात नहीं बोली और बोल के फायदा भी क्या तेरे बाबा तो किसी की सुनने वाले हैं नहीं जो दिल में आया वही करेंगे उस औरत को देखता हूँ तो जी में आता है बस बोलो बेटी सुन लेंगे तो कसब हो जाएगा और तू मेरी मान कभी अपने बाबा के बीच में बोलना भी नहीं अरे हाँ तेरे नतीजे का क्या हुआ अरे मैं तो भूल ही गया मैं पास हो गया अम्मा अब तुम बाबा से बोल दो मैं बीए करूंगा बाबू और आगे पढ़ने को बोल रहा था उसको अकल नहीं पर उसका दिल तो पढ़ने में है पढ़ने में नहीं बल्कि आवारा पुत्रों के साथ इधर उधर भटकने में कॉलेज जाकर शहर में कुछ छर्रे उड़ाने में दिल है उसका वो इम्तिहान भी कैसे पास हुआ मुझे मालूम उसको बोल दो तो मैं और वक्त खराब नहीं होने दूंगा उसको मैं जो बोल रहा हूँ वही करना होगा कौशल्यान जगत प्रसंभव भजे जन्मन्य साधारणे जाति श्री रघुनायक स्वजन मंदे आदिकं मंगलम सावधाना स्मो सावधाना सुख सावधाना वरत्य दक्षिणी पावे वधूनां पावकानके उभयो पारगत्या पावे सावधान खेत पर जाना नहीं चाहते हमारी अम्मा बोल रहे हैं कॉलेज का भूत अभी तक नहीं उतरा ना अवसर आप कॉलेज गए तो खेतों का कौन देखेगा तुम्हारा बाप काम के लिए कोई नौकर भी तो रख सकते हैं ताकि चोरी करके अपना घर भर ले फिर आहिस्ता आहिस्ता जबरदस्ती हमारी जमीन पर कब्जा कर मगर मुझे खेत पर जाना पसंद नहीं मुझे ये करना है बीए करके किसी कचहरी में मुंशीगिरी करने का इरादा है क्या बेवकूफ
असली बादशाह वो है जिसके पास जमीन है। मुंशीगिरी को अच्छा समझ रहे तुम? बीए करके मुंशीगिरी करते हैं क्या? जी नहीं, मिनिस्टर बनते हैं। देखो तुम कितना पढ़ने वाले हो मुझे मालूम, और मैं तुमको खुला नहीं छोड़ सकता उन लुच्चे लफंगों की सोबत में। तुम्हारा भला बुरा हम सोचेंगे। तुम्हारी शादी हो गई है, अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करो। अरे ये कटारा किसकी आई रामवीर? जाके निकालो पटेल साहब, पटेदार है ना, बड़े पटेदार उनका लड़का आया है। चले गए। आधा वर्ष करता हूँ छोटे राजा को। ये आपके पहिए जो है कीचड़ में फंस गए दिखता, अभी निकलवाते तुम देखो। अरे कृष्णा साहेलू, अरे केशव के बच्चे इधर आ रहे। रहमान साहब, अजी रहमान साहब, ग्राउंड में भागो, उधर आ जाओ, दाऊद पुट्टा बैठा दो, पकड़ो लाओ भरोही चोर, अभी दो मिनट में निकलवा दे तुम सरकार। अरे मुदर अटको है, मुंह देखते ही ढकलो रे, चलो आनंद साहब ढकलो। आप मेरे को नहीं पहचानते छोड़े राजा, मैं पुलिस पटेल शेख चांद हूँ, आपके वालिद साहब का पुराना खिदमत गुजार। ये आपके खेत जायदाद सेनबन सब मैं संभालता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है आपकी शादी में हाजिर नहीं हो सका। ऐसा हुआ वो दिनों में जाकर हमारे घर में जो है तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। वहाँ के जोर लगाओ ना बे, रहमान साहब दम नहीं है, दो शादी करे तो ये छोटा अल्लाह की वजह से तीसरी शादी ना हो करो भाई। चलो हम चलो 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 अंदर बैठो छोटे सरकार, मैं सामान लेके आती हूँ।
ये कपड़े किसके हैं? अरे अरे जरा ठीक से पकड़ो, सुनाई नहीं देता क्या? गुंगा है, बोलता क्यों नहीं? तुम्हारा घर वाला है? जी हो सरकार, मेरा मर्द है इन्हें। क्या काम करता है? काम सरकार कुछ भी नहीं करता, थोड़ा येट्टी बेकार कर लेता है। तू क्या करती है? मैं सरकार झाड़ू फटका करती हूँ। यहाँ रहता कौन है? यहाँ सरकार कौन भी नहीं रहता। तू कहाँ रहती है? मैं सरकार वो ताड़ के झाड़ के नीचे वो झोपड़ी है ना, वहीं। कितने दिनों से काम कर रही है? मैं सरकार कुछ ही दिनों से हूँ। और कौन लोग रहते हैं यहाँ? यहाँ सरकार वो खेतों में काम करने वाले मजदूर रहते हैं। इस खेत के पीछे सब उनकी झोपड़ियाँ। बावड़ी कहाँ है? बावड़ी सरकार घर के पीछे नजदीक है। चल दिखा मुझे। ये औरतें हमेशा यहीं से पानी लेते हैं? ये औरता सरकार कभी कभी लेते हैं। ओए दंडम पेटंडी चिन्ना तो राखू। तुम इस जायदाद की निगरानी करते थे ना? जी हो सरकार, मैं ही संभालता हूँ ये सब। यही संभालते हो? क्या बोले आप, समझा नहीं। जरा घर देखो, मालूम होता है घर नहीं कचरे की कुंडी बना रखी है। मैं जो हूँ सरकार पुलिस पटेल हूँ, और ये सब मामलात का मुझे कुछ खास इल्म नहीं। गाँव में जो है गड़बड़ी मची है, आपके वालिद साहब आके 2 साल हो गया है, और वो जो है मसरूफ है मुकदमात में। वो सैनबंद का मामला किसको दिए हैं आप? किसी को नहीं सरकार, असेंदी बहुत कमी निकलती है। वो बहुत कमी कौन पीता है, कहाँ जाती है? ये गांव में सब चोर आए हैं सरकार, चुरा के पी लेते हैं। अब आप जो आए बहुत अच्छा हुआ, अब देखो आप मामला सब ठीक हो जाते सरकार। ठीक होगा नहीं, करना पड़ेगा। जैसे हुक्म हो हुजूर का। सरकार अगर इजाजत हो तो आदाबर से सरकार। सरकार आप बोले तो मैं पुजारी जी के पास जाको आपके लिए खाना लेको आऊं। जरूरत नहीं। तो फिर मैं जाऊं? हाँ जा सकती हो।
नाम क्या है तेरा? लक्ष्मी। चाय बना ला। चाय सरकार? मेरे हाथ की चाय पियेंगे आप? क्या क्या बात है? वो हम लोग कुमार हैं सरकार। तो क्या हुआ? लेकिन सरकार पुजारी जी नाराज हो जाएंगे। मैं जात वात नहीं मानता। जा चाय बना ला। सलाम सरकार। चाय सरकार। तेरा मर्द क्यों आया है? वो सरकार मैं लेको आई, सरकार से काम मांग लियो बोल के। पाप बेचारा बेकार है सरकार। पहले कुमार का काम करता था, बहुत अच्छे बर्तना बनाता था, पर अब गांव में मट्टी के बर्तना कौन भी नहीं ले रहे। यूनियन की हुकूमत आई जब से सब लोग अल्मोनियम के बर्तना ले रहे। कुमारा सब भूखे मर रहे हैं सरकार। क्या काम कर सकता है उन्हें सरकार? क्या बोलूं, उसको सुनने को बोलने को नहीं आता, मुक्का है पाप बेचारा। तेरा मरद बैलगाड़ी चला सकता है? बंडी सरकार चलाएगा, जरूर चलाएगा। उसे बोल बंडी चलाना शुरू कर दे। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, लक्ष्मी। जी सरकार। ये पंप किसका है? आप ही का है सरकार। इसका पानी कौन इस्तेमाल कर रहा है? आप ही के रिश्तेदार हैं। मेरा? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। आपको नहीं मालूम सरकार, इसके बाजू का खेत उन्हीं का है। किनका? उन्हीं का, वो प्रताप राजा और उनकी अम्मा का। ये पानी किधर जा रहा है? आपके भाई के खेत में जा रहा है। उल्लू के तुम बदलो इस पानी का बहाव। ये कड़ा बदलान चला दोरा। उसको इधर कर। हाँ? अबे उसको इधर कर। ये क्या कर रहे हैं बेटे? पानी क्यों बंद कर दिया उधर का? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। मैं तो बेटा ही समझती हूँ बेटे। देखो तुम लोगों को उंगली पकड़ने दो तो पोंछा पकड़ लेते हो। खेत हमारे सूख रहे हैं और पानी तुम इस्तेमाल कर रहे हो। बेटे तुम्हारा हमारा झगड़ा काएगा? ये भी खेत तुम्हारा है, ये भी खेत तुम्हारा है, और यह प्रताप भी तो तुम्हारा छोटा भाई है। अच्छी तरह समझ लो, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं। इस खेत से पानी बचेगा तभी तुमको मिलेगा। अगर मुझसे पूछे बिना पानी लेने की कोशिश की तो पछताना पड़ेगा। देखा पता, आते ही हुक्म चलाने लगा। क्या कहा? हनीमत समझो कि सिर्फ थोड़े वक्त के लिए पानी रुकवा रहा हूँ। ज्यादा बकवास करोगी तो आंसू निचोड़ के सिंचाई करनी पड़ेगी। हे भगवान, मैं कौन सा पाप करी थी?
जो ऐसे छोकरे से बातें सुननी पड़ रही। अरे साइलू, तो इतनी आठ घड़े निकले रही सेंधी, और क्या हमी? अबे इसमें से कौन निकालने वाले हैं? हाँ? आज से सेंधी मेरे घर लाई जाएगी और मैं खुद उसे बेचूंगा, समझे? समझा सरकार, पर ये चोराहूं क्या करने वाले हैं आप? तुम किस मर्द की दवा हो शेख चांद? एक बार आप हुकुम दो सरकार, फिर बताता हूँ। देखो माँ के चोरों को जो है पकड़ के, उनका सर मुंडा के, उनका मुंह काला करके जो है उल्टे गधे पे बिठा के गांव में ऐसा फिराता हूँ। आप देखो सारा शर्म के मारे या गांव छोड़ के चले जाना, या तो फिर जिंदगी भर जो है सेंधी की चोरी करने का नाम नहीं लेना। देखो आप, तुम जानो, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ सिंधी की एक बूंद भी इधर से उधर ना हो। कैसे हो सकती है सरकार, जब शेख चांद एक बार दिल पे ले लिया तो फिर देखिए क्या चीज नहीं हो सकती है सरकार। राम राम। आइए गुजारी जी। जी बहुत दिनों में खबर ली, आपने खाना नहीं मंगवाया, ये बहुत बुरी बात है छोटे बाबू। मैं आपके लिए खाना भिजवा दिया करूंगा। आपके यहाँ तशरीफ लाने की गरज क्या है? मेरी क्या गरज हो सकती है छोटे बाबू, वो जी मैं तो बस धर्म के लिए काम करता हूँ। गोकुल अष्टमी आ रही है ना, चंदे के लिए आया था। वैसे बड़े बाबू को हमारे घर का खाना बहुत पसंद था। कितने रुपये दूं मैं आपको? धर्म के नाम पर तो जितने भी दो कम है छोटे बाबू। वैसे धर्म की बात सुनता भी कौन है आज के जमाने में? गांव वालों के पास पैसे तो है छोटे बाबू, मगर सेंधी शराब और जुवे के लिए मंदिर के नाम पर एक पैसा नहीं देंगे। ये लीजिए 10 रुपये। उल्टे हाथ से नहीं छोटे बाबू, सीधे हाथ से दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। आपसे बस अब गोकुलाष्टमी पर मुलाकात होगी। आप भी मेरी बातों से बेजार हो गए छोटे बाबू। हाँ रात का खाना भिजवा दो छोटे बाबू। नहीं अभी नहीं, फिर कभी। अच्छा राम राम छोटे बाबू। राम राम। Thank you.
फिर भी क्या है इन्हें? खाने को खाना गत नहीं है, पहनने को चिंदियां गत नहीं है, पन पीने को होना। एक मैं हूँ जो इधर से उठा के उधर से चुरा के खाने को लेकर आती हूँ, पन इसको शर्म नहीं है। अरे बच्चा नहीं है तो सेंधी पी पी के मरेगा क्या? सरकार को मालूम होएगा तो दिए से काम को भी लात मार के निकाल देंगे माटी में ले। ये बोल रहा था आप हमारे खेतों को पानी देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, खेत सब सूख जाए। मैं एक बार बोल चुका, मेरे खेत से पानी बचेगा तभी तुमको मिलेगा। लेकिन अम्मा बोल रहे थे बाबू ये रियायत बहुत दिनों से मिल रही है हमको। रियायत देने वाला जब चाहे बंद कर सकता है, खुद अपनी बावली खोद लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात है तो मुझे मजबूर बाबा से बात करना पड़ेगा। बड़ा आया बाबा से डराने वाला। जानवर किसके थे? वो पुजारी जी के जानवर थे सरकार। किसी के भी हो उनको बोल दो, अब के आएंगे तो टांग तोड़ के बंजर दोड्डी में डलवा दूंगा। और सुन, अपने मर्द को बोल बाबा के गांव जाके खेतों के लिए फर्टिलाइजर्स लेके आ। उसको बोलूं सरकार? क्या लेके आओ बोलूं? कचरा? ओहो ठहर, चिट्ठी देता हूं मैं लिख के।
रो रही है तू? मैं सरकार? नहीं तो मैं क्या करूंगी? मैं समझा तू रो रही है। सरकार को कुछ होना क्या? नहीं नहीं। क्या बात है सरकार? वो कुछ नहीं। नई जमाने की पढ़ाई का नतीजा है चांद में आ। भाई का खेतों का पानी रुकवा दिया। रामलू जमींदारी अब जाने वाली है। साली रस्सी जल गई और उसका बल्ब जो है ना वो नहीं गया देख। मैंने सुना आपकी डिब्री टाइट कर दी। ऐसा है, दो कौड़ी का पुट्टा है। अरे अपने माँ और भाई कुछ जब नहीं समझता रामलू तो मेरे को कहां से समझेगा बोल तू। मैं बोलता हूँ ना, चार किताबें क्या पढ़ लेते हैं दिमाग में पुट्टे। दिमाग जो है ना तुरंत खांगा हो जाता है। ना बड़ों का अदब है ना छोटों का लिहाज। ये सब रामलू कयामत के दिन करीब आ रहे हैं। बताओ कुछ नहीं है, दो कटे बिरी दे। मैंने सुना वो मुक्की की औरत का हाथ का खाना खाता कहते। अरे खाने की बात करता तू? मुक्के की औरत के साथ जो है घर में क्या क्या मामला हो रहे किसको मालूम? मालूम है तुझे? अल्लाह बेहतर जानता रामलू। ये सब जो है खयामत के आसार हैं और कुछ नहीं है रामलू। एक तो पौसे दाल दे भी। दाल नहीं, चना है। दे चना दे। घर में जब देखो तब कोई ना कोई टपकते रहता है कि माँ के मेहमान आ मारो। वो तो बच्चा है कल का, ये हरामी मुक्की की औरत नहीं समझती। जात पात कुछ है या नहीं? छोड़ो यार रामलू छोड़ो, अल्लाह का नाम लेवे अल्लाह का बस, और कोई बात करना बेकार है। लिखा 25 पान लिया आराम लो।
इन्हें पीना नहीं छोड़ेगा, खुद बर्बाद होएगा, मेरे को बर्बाद करके रखेगा, पीना नहीं छोड़ेगा। मुंह क्या देखता है, सब मिट्टी में मिला के रखेगा तू एक दिन। देखा, तुम्हारा भाला चोरी भी करता है। हरामजादे को काम दिया, उसका ये बदला लिया उसने। नमक हराम, चोर, कमीने, मेरा ही माल चुराता है। नक्कू सरकार, इसको कुछ नक्कू बोलो, इन्हें फिर नहीं करेगा, फिर करेगा तो मेरे को मारो, पर इसको कुछ नक्कू बोलो सरकार। कैसे ना बोलो, ए बच्चे क्या पुलिस पटेल के बुला के ला।
खाना खा ले, अब कभी सेंध नहीं पीना। सरकार के सामने नाक कटवाकर तेरे को क्या मिला किश्तिया? माँ तेरे सुपुर्द इसलिए छोड़ी थी मेरे को? ऐसे तो तू मेरा जीना हराम करके रखेगा। किश्तिया कहाँ है? कब तक आएगा? मेरे को नहीं मालूम। ये मालूम नहीं क्या लगा रखा है? घर छोड़ के थोड़ी भाग गया होगा।
लक्ष्मी नहीं आ तुम बोली दोरा। क्यों नहीं आएगी? नहीं मालूम दोरा। काम पे क्यों नहीं आई? चाय कौन बनाएगा? खाना कौन पकाएगा? घर की देखभाल करेगा कौन? अच्छा कल से काम पे आ जाना। चाय सरकार। कसूर है तुम्हारी औरत का? एक तो ये कि घर छोड़कर भागी और फिर दूसरे आदमी के साथ दूसरे गांव में जा बैठी, जात पात का भी ख्याल नहीं किया, हमारे भाई को कहीं का नहीं रहने दिया। जरा उसे पूछो क्या कम था उसको, बोल चुप क्यों है?
हम तीन भाइयों के बीच दो खेत हैं, दो बावड़ियां हैं और दो वक्त धान पकता है हमारे खेतों में। और क्या कम था इस हरामजादी को? गाले मत मौको, वहीं ठहरो। हम पंच हैं, हम उसके माँ बाप के बराबर हैं। जो कुछ पूछना है हम खुद पूछेंगे। देखो बेटी, तुम बताओ तुम्हें क्या दुख है, तुमने इतनी बुरी हरकत क्यों की? घबराओ नहीं, साफ साफ बताओ, तुम अपने मर्द के साथ रहना चाहती हो या नहीं? बताओ, डरो नहीं। बोलना, अब बोलती क्यों नहीं? जवाब दो। दूसरी जात वाले के घर रहने से तुमने अपने घर, अपने खानदान की नाक कटवा दी, सारे गांव को बदनाम किया। बोलो, क्या खराबी थी तुम्हारे मर्द में? बोलो। मेरा मर्द, मेरे को बच्चा होना। बच्चा होना ना होना भगवान की मर्जी पर है। मेरे को बच्चा न होने की वजह है इन्हें, मेरा मर्द। हमारे भाई पर इल्जाम लगा इस साली। अपना गुनाह छुपाने को झूठ बोल रही है। तेरे जैसे औरता दुनिया को डुबाएंगी एक दिन। खामोश। बेटी, पति की इज्जत तुम्हारी इज्जत है, तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। पति भगवान समान होता है। ये बदन भी भगवान ने ही बनाया है, और भूख सिर्फ पेट ही की नहीं होती। यादगिरी, तुम्हारी औरत जो कह रही है, तुम्हें कुछ कहना है उसके बारे में? वो कुछ कहे या न कहे, मैं मर जाऊंगी लेकिन उसके साथ नहीं रहूंगी। अरे तू क्या मरेगी, हम मार डालेंगे तेरे को। चुप रहो तुम दोनों। यादगिरी, तुम क्या चाहते हो? आपका जो कुछ भी तस्फिया है वो मुझे मंजूर है। पंचों का फैसला है कि राजम्मा को अपने मर्द के पास वापस जाना चाहिए। नहीं! राजम्मा को अगर कोई शिकायत अपने मर्द से है तो इसकी जिम्मेदारी उसके दो भाइयों पर भी है। औरत सिर्फ मर्द की ही नहीं, घर की भी होती है, खानदान और जात वालों की भी होती है। उदास क्यों है? बोलना, क्या बात है लक्ष्मी? मैं अपने मर्द के पास जाऊंगी सरकार। पता चल गया तुझे वो कहां है? नहीं मालूम कहां गया, माटी मिला। तो फिर उसके लिए क्यों उदास है? तुझे छोड़कर वो चला गया, मालूम नहीं वापिस आएगा भी या नहीं। गूंगा भैरा और ऊपर से शराबी। नको सरकार, उसको बुरा नको बोलो, वो नहीं बुरा नहीं है, खाली सेंधी पीने की लत है उसको। अच्छा नहीं बोलूंगा। अगर तू फिक्र न कर,
मैं तेरी देखभाल करूंगा। आप सरकार कब तक? कब तक क्या? हमेशा के लिए। वही जिनके लिए जान दी फरहाद ने, जंगल जंगल रोता था मजनू भी जिनकी याद में, रोमिए उछल बसा जिनकी तमन्ना लिए, देखिए देखिए और फिर देखिए, यही तो है वो, यही तो है। लक्ष्मी, तू तो आज अप्सरा लग रही है। क्या लग रही हूँ सरकार? परी, कभी सिनेमा देखी है तू? हाँ देखी ना, वो बाल नागम्मा। हाँ, तू आज फिल्म स्टार लग रही है। क्या है कि बोलूं स्वाप? नहीं समझी? अरे वो फिल्म में रहती है ना हीरोइन, वही जो गाती हैं, नाचती हैं, इश्क करती हैं। क्यों नहीं रह जाती लक्ष्मी? मैं यहां रह गई, लोगन क्या बोलेंगे? लोगों की कौन परवाह करता है? लोगों की बात जाने दो, बड़े सरकार आ गए तो। बाबा, बाबा यहां नहीं आएंगे। अगर मेरा मर्द आ गया? तू बेवकूफ है लक्ष्मी, तेरा मर्द कभी नहीं आएगा। वो साला नक्कू सरकार, उसको कुछ न को बोलो। अच्छा अच्छा, इधर आना। तेरे को वो बहुत पसंद है? उसकी बात जाने दो सरकार, आपकी दुल्हन आएंगी फिर क्या होएगा? मेरी दुल्हन अभी छोटी है। बड़ी हो जाएंगी फिर क्या होएगा मेरा? होगा क्या? कुछ भी नहीं। तेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है? अच्छा तू अपने बारे में कुछ बता। क्या बताऊं सरकार? यही कि तेरी शादी उसे कैसे हुई? शादी कैसे होती? वैसे ही। फिर भी कुछ तो बता, हुआ क्या था? होना क्या था सरकार, मेरी माँ का मरा जवान था जब मर गया, मैं बच्ची थी,
किश्तैया हम लोगों को खिलाता था। उन्हें जवान था सरकार, मट्टी के बहुत बर्तना बनाता था। मैं भी बच्ची थी जब से काम कर रही हूँ। पर ये सब सुनकर आप क्या करेंगे? आप लोग हैं राजा लोग, आपका जीना अलग, हमारा अलग। ऐसा नहीं है, मैं सुनना चाहता हूँ। मेरी माँ को मेरी बहुत फिक्र थी, सो शादी कर दी। और कोई मर्द नहीं था जो एक गूंगे बहरे और शराबी से तेरी शादी कर दी? मर्दान तो बहुत थे सरकार, पर मेरे को कौन मिलता? मेरी माँ के पास देने को क्या था? फिर किश्तैया भी ऐसा नहीं था सरकार, पत्थर की सरी का जवान था उन्हें। अब काम वाम नहीं है बोल के पीने लगा, नहीं तो उन्हें बहुत अच्छा है सरकार। तेरे को बच्चे क्यों नहीं हुए? ना भाग्यम सरकार, नसीब में नहीं होंगे। किश्तैया में कुछ कमी थी क्या? आप बोले सो बोले, फिर नहीं बोलना ऐसा। सूर्या बाबू, ये क्या आप बच्चे छोड़े वैसे पटाखे छोड़े? अरे यार, आज तो दिवाली का दिन है, कुछ बड़ों जैसा काम करो। लक्ष्मी पूजा का दिन है भैया, अपना कुछ पैसा कमाओ कमाओ। मगर स्वामी, मुझे तो ठीक से खेलना भी नहीं आता। लक्ष्मी, जरा शरबत और मिठाई को ले आ। अरे बाबू, आज का दिन शरबत का नहीं, आज तो इसका दिन है इसका। अच्छा लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, शतरंजी बिछा दे लाके, और सुन, चार ग्लास भी ले आना। ये हुई ना बात बाबू, साल में एक दिन तो आता है इसका, और साथ में जुआ खेलने का। अच्छा, ऐसा करो तुम लोग खेलो, मैं देखूंगा। मर्द आदमी खेलते हैं बाबू, देखने वालों को क्या कहते मालूम? अच्छा। लैला बाहर। लैला बाहर। गुलाम बाहर। आंदो बादशाह बाहर। पंजा बाहर। ये भी हाथ गया यार, अपनी तो जेब खाली होगी। शामी, अब तुम उठो। शामी को उठो बोल रहा है तुम? लुट जाऊंगा पर लाए उठूंगा। मर्द की जबान है बोला, ये लो मेरी तरफ से, लगाया राजा पर। राजा पर ये ले, काटो राजा। आ मेरे राजा, आ आ आ जा। स्वामी तुम हार गए। स्वामी अब तो उठो, घड़ियाल भी गई। क्या बोला? तू भी स्वामी को उठ जा बोला। ये लो लगाया मेरी तरफ से, दो तोले की चाय ले। स्वामी
देख आज मेरे साथ लक्ष्मी की कृपा है, तू खामखा के हार जाएगा। अरे हाँ यार, है मालूम है, सबके साथ है। दो तोले की चैन है, लगा दे मेरी घड़ी वो और पैसा पूरा रानी पर। अच्छा तो ले ये घड़ी ये पैसा, बात बचे रानी पे ना लेकर रानी रानी आ गए। देख स्वामी रानी है, मैं जीत गया। अब जाओ स्वामी, अब क्या आंग का कुर्ता लगाओगे तो ऊपर? उठो स्वामी जाओ। क्या बोला? उठो उठो, मेरे को उठो बोला, स्वामी को उठो बोला। मैं स्वामी हूँ स्वामी, मर्द की औलाद, समझा? बैठ बच्चे। मगर अब दाव पे तुम क्या लगाओगे स्वामी? तुम तो सब कुछ हार चुके हो। क्या लगाऊंगा? जरूर को लगाऊंगा दाव पर। अरे यार इसको तो बहुत चढ़ गई है, उठाओ यार उसको। बाबू मर्ची औलाद हूँ मैं, जबान दिया सो दिया, पत्ते बांटो शराफत से, जोरू को लगाया हूँ। ये क्या बेवकूफी है स्वामी, तू जोरू को भी लगा दिया? अरे हाँ लगा दिया, हार गया तो स्वामी जोरू को ले जाऊंगा। अरे हाँ लेके जा। अरे हाँ मैं भी मर्द की औलाद हूँ स्वामी, घर पे आके तेरी जोरू को लेके जाऊंगा। अरे हाँ यार लेके जा, मैं भी मर्द की औलाद हूँ, जबान दिया सो दिया। अच्छा स्वामी ये आरजू भी तेरी मैं पूरी कर देता हूँ। कार्सन बोल तुझे क्या चाहिए? मेरे को चाहिए छक्का। छक्का? अच्छा ले। छक्का 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 छक्का। देख स्वामी तो फिर हार गया, कल आऊंगा अपना माल ले जाने के लिए। हाँ यार आ जाओ, मर्द की औलाद है। बस तुम लोग जाओ यार जाओ, बहुत रात हो गई। हाँ स्वामी कल सुबह मैं आ जाऊंगा तेरी चोरू को ले जाने के लिए। हाँ यार आ जाना, ये बात है मैं भी देखूंगा कौन मर्द की औलाद है। ये बात है स्वामी, देखता हूँ कल कौन मर्द की औलाद है। तो हाँ हाँ आ जाना यार, आऊंगा। अरे आ जाना पाऊंगा स्वामी। हाँ हाँ आ जाना, मर्द की औलाद है। Thank you.
ये परिंदा कौन सा है? ये परिंदा सरकार, यहाँ इसको वडला पिट्टा कहते हैं। भाई झूठ ना बोल रहा हूँ सामी, बुला तेरी जोरू को, मैं तो लेकर जाऊंगा उसे। नशे में बुलाऊंगा मियां, काई को बेकार लड़ा लड़ लड़ा। अरे मैं भी मर्द की औलाद हूँ सामी, नशा वशा काई करे, रात में बोला तो बात पे खायम नहीं रहना। तू बुला तेरी जोरू को। कौन माटी मिला है जो बड़बड़ कर रहा सो? इनने गालियां दे रही मेरे को, अपने मर्द को बोल, रात में पत्तों में तेरे को हार गया ना इन्हें। हार दिया मेरे को? ऐसे मर्द की ऐसी तैसी, वो कौन है मुझे हारने वाला? और तू जीतने वाला? अरे बेशरम की औलाद, तेरी जोरू नहीं है घर में, उसी को भी दूसरा कोई जीतने वाला आ जाएगा। अपनी जोरू को संभाल पहले। कमलम मां, मैं रात को इतना बोलिया ऐसे, तंकी ने मेरी बात को नहीं माना ना? अरे वो रे, राजा युधिष्ठिर बन गया था ना, अब चल अंदर, मैं सुनाती हूँ तेरे को महाभारत। ये क्या सुन रहा हूं मैं? सारा गांव थू थू कर रहा है तुम पर। क्या करा मैं? एक कारनामा हो तो बोलू मैं, क्या नहीं किया तुमने? कौशल्या के खेत का पानी क्यों बंद कर दिया? किसने इजाजत दी थी तुम्हें? पानी तो हमारे खेत में भी कम पड़ रहा था, और इस साल 50 एकड़ ज्यादा जोता है, फसल ठीक ना होती तो भी आप बिगड़ते। जोता था, बोया तो नहीं ना? 2 मिनट में दिमाग आसमान से जमीन पर उतार दूंगा। और वो कौन है जिसे रख लिए हो तुम? जरा मैं भी तो देखूं कौन है वो। किसकी बात कर रहे हैं आप? उसी बगजार लड़की का जिसके हाथ का पकाया खाते हो। पुजारी के खाने में जहर है क्या? वो भी तो इंसान है बाबा। तुम्हारी जबान बहुत लंबी होती जा रही है, किधर है वो, कौन सी जात की? सुना है तुम्हारे ताल्लुकात भी हैं उससे। बाबा आप तो बस कान के बहुत ही कच्चे हैं, तुम्हारी अम्मा भी यही कहती है। मुझे क्या, तुमको गड़े में गिरना हो तो गिरो, खरापन किए हैं खुद भुगतेंगे। लेकिन एक बात समझ लो, कुछ भी करो लेकिन हैसियत पर आंच नहीं आनी देनी चाहिए। मेरे जीते जी ये हाल है तुम्हारा, तो मेरे मरने के बाद क्या गुल खिलाएंगे ना आप साहब? चाहूं तो उसे छूते मारकर इस गांव से बाहर निकलवा दो। समाज में रहना है तो समाज का ख्याल करना पड़ता है। मगर बाबा चुप रहो, अब भी वक्त है, होश में आ जाओ। तुम्हारे ससुर साहब को पता लगेगा तो क्या कहेंगे? सोचा है तुम्हारी बीवी को भिनक पड़ गई तो उस बच्ची को कैसा लगेगा? क्योंकि थोड़े ही दिनों में तुम्हारा गौना होने वाला है और तुम्हारी बीवी भी यहीं आकर रहेगी। वैसे तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, जो चाहो करो, लेकिन अपनी जायदाद, हैसियत और बीवी की जिम्मेदारी खुद को भूल करो, समझे?
मैं इस फोटो में अजीब सा लग रहा हूं ना? सरू इधर आ बैठो। अच्छा अच्छा बैठो ना, आओ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये जगह पसंद आई या नहीं? ये औरत क्या यहीं रहती है? हाँ, काम करती है घर में। सरू वो देखो, वो सारी जमीन और खेत हमारे हैं। क्यों, उसमें क्या है? उसके हाथ की बनाई चाय। क्या बुराई है उसमें? मैं जात पात को नहीं मानता सरू, लेकिन मुझे उसके हाथ का कुछ नहीं होना। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं जानती हूँ जो मैं बोल रही हूँ। आज से उसे खाना वाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद बना लिया करूंगी। बेकार बात,
तुम्हें कोई तकलीफ होगी? कुछ नहीं होगा जी, मैं अभी उसे कह देती हूँ। देखो आज से तुम्हें खाना वाना पकाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ घर के साफ सफाई का काम करो, समझी? क्योरी, मैं तेरे को क्या बोली थी, झाड़ू छटका कर बोल के, बिछोना बिछोना लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगी। तुम तो उस बेचारे के पीछे ही पड़ गई हो, अगर तुम्हें उसका काम करना पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं उसको दूसरे काम पे लगा दूंगा। देखो जी, मेरे को उस औरत का यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्ली की तरह भागती फिरती है, अपने घर को क्यों नहीं जाती? उसका मर्द उसको छोड़कर भाग गया, आखिर वो बेचारे जाए भी कहाँ? मर्द छोड़ के भाग गया इतनी जवान औरत को? जरा सोचिए, लोग क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, वो तो बहुत दिनों से यही रहती है। यही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों रहती है यहाँ? जान जवान औरत है, उसको ख्याल नहीं है? बोलो ना, क्यों रहती है यहाँ? चलो तुम फजूल बिगड़ रहे हो, उसके यहाँ रहने से क्या हो गया? मैं सब सुनी हूँ। क्या सुनी हो तुम? कुछ भी नहीं सुनी। देखो ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो, सब बकवास है। लेकिन मुझको उसका यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं उसको निकाल दूंगी। निकाल दो, लेकिन ये बताओ झाड़ू कौन देगा, कपड़े कौन धोएगा, घर का कामकाज कौन करेगा? हम दूसरा आदमी रख लेंगे। रख लो, मेरे को क्या। आज सुबह को लक्ष्मी की तबीयत खराब थी, कुछ उल्टी उल्टी हुई थी। अच्छा, क्या हुआ था? मैंने पूछा भी, कुछ बोली नहीं वो। कुछ दवा दे देना था बेचारी को। दवा मैं काहे को दूं? अगर उसको बीमार पड़ना है तो अपने घर में पड़ो बोलो, हमारे घर में पड़ने की जरूरत नहीं है।
लक्ष्मी, कहाँ गई थी? सौदा लाने। सुना तेरी तबीयत खराब थी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। देख, तेरी सूरत से तू बीमार नजर आ रही है, सच्ची बता क्या हुआ? थोड़े दिन ऊपर हुए, पर बच्चा है कि नहीं नहीं मालूम। मगर ये नहीं होना चाहिए, बच्चा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करूं मैं? कुछ भी कर लक्ष्मी, कुछ भी कर, नहीं तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तू यहां से कहीं और चली जा। कहां जाऊं? लक्ष्मी, तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं दिखती, अब तुझसे घर का काम नहीं होगा, तू कुछ दिनों के लिए घर चली जा। घर? हाँ, क्यों नहीं, तो ऐसा कर खेत पे चली जा। मगर खेत में तो क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं जी, मैं उसे कह रही थी कि अब उससे घर का कामकाज नहीं बनता, तो कुछ दिनों के लिए आराम कर ले, फिर जब ठीक हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता खेत पे काम करना शुरू कर देगी। लक्ष्मी, बच्चे को गिराने के वास्ते क्या करी तू? कुछ भी नहीं,
और मेरे को करना भी कुछ नहीं, मगर बच्चा नहीं होना चाहिए। मेरे को बच्चा होना नहीं, जरा सोच, सारी दुनिया में मेरे नाम को बट्टा लगाएगी क्या? तो इसे मजाक समझ रही है, एक दिन बच्चा हो जाएगा तो उसको पालेगा कौन? मैं तुमको पालने के वास्ते बोली क्या? तेरे को शर्म नहीं आएगी? खाली मेरे को शर्म आएगी, तुमको कुछ नहीं होगा? बेवकूफ मत बन लक्ष्मी, बच्चे को गिरा दे वरना परेशान हो जाएगी। मेरे से कोई पूछेगा तो मैं हर बात से अनजान बन जाऊंगा। निम्मी का गाया हुआ ये गाना नहीं है आपके पास? निम्मी का नहीं, लता का गाया हुआ है, सुनोगी? ठहरिए, ये पंछी कौन सा है? यहाँ इसे वडला पिट्टा कहते हैं। क्या? वडला पिट्टा। बहुत दिन से दिखी नहीं, कहाँ थी तू? घर में। कहीं काम वाम कर रही है क्या? काम मांगने आई हूँ। और हम तो दूसरा आदमी रख लिए काम के वास्ते। हाँ मालूम मेरे को। कुछ खाएगी? तू वहां से अंदर आ जा, मैं अभी देती हूँ। बेशरम चोटी, मैं तेरे को खाने को खाना लाई और तू चावल चुरा रही है। तुम लोग चोरी करते हो इसीलिए भूखे मरते हो। निकाल निकाल सब चावल। क्या हुआ? देखो तो चोटी को, मैं उधर गई थी कि चावल उनसे पल्लू भर लिया। जानती है चावल चुराने वालों को क्या सजा देते हैं हम? कोड़ों से मारते हैं और मार मार कर खाल निकालते हैं। मैं भी तेरे से यही करता अगर तू औरत न होती। जा निकल जा यहां से, फिर कभी अपना मुंह नहीं दिखाना, समझी? के भुट्टे चोरा मारू, आधा खेत खाली कर दें। कौन आ रहे उधर? आए जवाब नहीं दे रहा है, बाहर निकल। अच्छा
क्या तू है? चोरी कर रही है क्या? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता है। थोड़े दिनों से देखता हूँ तेरी सूरत जो है वो तरले को जाती है। क्या कुछ गड़बड़ बड़बड़ है क्या? परमात्मा को मालूम। लक्ष्मी, ऐसा है, छुपाने से बात छुपती नहीं, फिक्र करने से जाती नहीं। आखिर में चल को क्या होगा, छोटे राजा जो है एक जमीन का हिस्सा दे देंगे, बस मजा कर ले, और क्या होना। क्या बोले आप? अरे दीवानी, बड़े राजा जो हैं कौशल्या और प्रताप राजा को जमीन और घर दिए नहीं दिए, तेरे को भी वो छोड़ने वाला है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। आदावर्ष करता हूँ छोटे राजा को। कैसे आए? ऐसा है, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था सरकार। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है सरकार, बात जो है कुछ ऐसी है, छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। बोलो बोलो। वो जो लक्ष्मी है ना सरकार, क्या किया उसने? उसके दिना पूरे होने को आ रहे हैं सरकार। उससे मेरा क्या ताल्लुक? आप ही ने तो उसको काम से निकाला सरकार, ये ठीक नहीं किया आपने। अब उसका गांव में कौन देखने वाला है, बोलो आप। आखिर बेचारे पे जरा तो रहम करना था। क्या मतलब? जरा बड़े सरकार को देखो आप, कैसा हमारा साथ देने को आए हैं। कौशल्या को जो है बाबा का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, मगर अब इसका देखने वाला कौन है सरकार? तुम कौन होते हो उसकी वकालत करने आए हो? अगर ऐसा है तो खुद देखभाल कर लो। मगर वो तो आपके साये में पल रही थी सरकार। शेख चांद, तुम जा सकते हो।
We'll be right back.